Hello friends, welcome to my YouTube channel Maths 24. आज हम लोग mathematical operations पे बात करेंगे. Mathematical operations कितने हैं, उसके कौन कौन से symbol हैं और उस पर बेस्ड कुछ examples को लेंगे. तो चलते हैं, start करते हैं. Mathematical operations, इतना तो सभी लोगों को पता होगा कि किसी भी नंबर्स को जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुना और भाग करने के लिए हमें सिंबल की आवश्यकता होती है, जो कि प्लस करना होता है, माइनस करना होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है. यही चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, यानी उसके सिंबल्स भी देखेंगे. पहला एडिशन, एडिशन जिसका सिंबल है प्लस. फिर सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन जिसका सिंबल है माइनस. मल्टीप्लिकेशन जिसका सिंबल है क्रॉस से. एंड डिवीजन जिसका साइड है ये. यही चारों फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं इन मैथमेटिक्स में. यही चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हैं, यानी इसी चारों ऑपरेशंस पे पूरा मैथ टिका है, जिसमें कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे. सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस वाले पे डिपेंडेंट होगा. उसके बाद आगे बॉड मास रूल में भी अप्लाई करके और सभी का यूज करेंगे. पहले ये माइनस और प्लस वाले पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, इसमें कि फर्स्ट है 50 माइनस 70 प्लस 20 माइनस 25 माइनस 30 माइनस 40 प्लस 10. इस तरह से कुछ क्वेश्चन हैं. इसमें अक्सर लोग सॉल्व करते समय देखते हैं कि इससे इसको सबट्रैक्ट कराते हैं, फिर उसके बाद जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं, फिर घटाते हैं, फिर घटाकर फिर ऐड कर देते हैं. इस तरह से करने से इसमें साइन मिस्टेक होने का चांसेस रहता है. तो इस चांसेस को ख़त्म करने के लिए हम एक सिंपल सा तरीके को याद रखेंगे, जो कि आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे और बिना मिस्टेक के, और साइन मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा. तो देखते हैं, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि पहले सेम साइन वाला कौन कौन सा है. सेम साइन मीन्स प्लस 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 और माइनस माइनस माइनस, सेम साइन एक जगह करेंगे. यानी इसमें याद रखना है एक तरीका, सेम साइन एडिशन एंड डिफरेंट साइन सबट्रैक्शन का रूल अपनाएंगे. सेम साइन एडिशन एंड डिफरेंट साइन सबट्रैक्शन की बात करेंगे और आसानी से इसे सॉल्व कर देंगे. देखेंगे इसमें 50 प्लस है, इसके लेफ्ट साइड में किसी भी नंबर का साइन देखना है, उसका कौन सा साइन है उसके लेफ्ट साइड में देखेंगे, पता चल जाएगा. तो इसमें 50 में कौन सा साइन है, तो ये साइन यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, हिडन है. इसका मतलब शुरू में है ये 50 है तो ये प्लस है, फिर ये माइनस में है, यहाँ पे ये प्लस साइन है, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका माइनस और इसका प्लस है, इस तरह से. तो जितने भी प्लस वाले हैं एक साथ कर लेते हैं, सेम साइन एडिशन डिफरेंट साइन सबट्रैक्शन की बात करेंगे. तो सेम साइन वाले को यानी प्लस प्लस एंड प्लस, 50 प्लस 20 70 और प्लस 10 80, प्लस में आ गया 80, और जितने भी माइनस वाले हैं उसको एक साथ कर लेंगे, 70 25 70 एंड 25 माइनस 30 एंड 40. इन सभी को जोड़कर फिर यहाँ लिख लेंगे माइनस के साथ. ऐड करने का सिंपल सा तरीका है, वंस डिजिट 0 0 5 एंड 0 यानी 5, फिर टेंस डिजिट 4 3 7 2 9 एंड 7 16, यानी 1
165 हो गया। माइनस वाला जितना भी था एक साथ हमने ऐड किया उसके साइन के साथ, जो कि 165 है। अब यहाँ देखना है कि कौन कौन सा साइन है, तो एक प्लस वाला है और दूसरा माइनस वाला है। तो इसमें से यानी बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू से ही छोटा को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये तो श्योर है। तो बड़े वाले में से इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 से 0 रहेगा तो यहाँ 5, 6 से 8 नहीं जाएगा तो लेंगे 16, 16 से 8 जाएगा 8। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इसमें साइन कौन सा दे, प्लस वाला इसका साइन यहाँ लगा दे या ये साइन लगा दे। तो इसको करने के लिए एक सिंपल सा तरीका ध्यान रखना है हम लोगों, सिंपल टेक्निक को अपनाना है। जिस साइन का न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा, जिस साइन का न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा, या माइनस का हो या प्लस का हो, तो यहाँ माइनस वाले का न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहा है कि बड़ा है, इसलिए हम इसमें माइनस साइन लगा देंगे, यानी इसका आंसर आ गया माइनस 85। इसी तरह से आगे हम लोग फिर क्वेश्चन लेंगे। दूसरा नंबर लेते हैं, देखते हैं 70 प्लस 20 माइनस 50 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 15 एंड 20 प्लस 20। अब इसमें भी देखेंगे कि प्लस वाला कौन कौन सा है, तो 70 20 एंड 20 70 प्लस 20 90 प्लस 20 110। फिर माइनस वाले को लेते हैं तो 50 20 70 और 30 115 माइनस 115। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर देखेंगे डिफरेंट साइन है मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। अब साइन किसका लगेगा, माइनस वाले का या प्लस वाले का, तो देख रहे हैं इसमें भी कुछ इसी तरह से आ रहा है, जो माइनस वाला है न्यूमेरिकल वैल्यू इसका ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्लस, इसलिए इसमें 115 से 110 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अधिक था माइनस वाले का, इसलिए इसमें भी माइनस लगेगा। इस तरह से हम लोग सिंपल सिंपल से सिंप्लीफिकेशंस को लेंगे। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा नंबर 20 माइनस 20 प्लस 40 माइनस 50 माइनस 10 माइनस 12 प्लस 40 प्लस 10। इस तरह से इसमें भी देखेंगे हम लोग कि प्लस वाला एक तरफ सम कर देंगे और माइनस वाले का सम एक जगह कर देंगे, तो प्लस वाला 40 है, 40 एंड 10, 40 प्लस 40 80 और प्लस 10, ये हो गया 90। एंड माइनस वाले को एक जगह कर लेते हैं, माइनस 20 माइनस 50 माइनस 10 माइनस 12, तो 20 प्लस 50 70 माइनस 10 माइनस 80 एंड 12 माइनस 92 आया, -92। इसमें इसका भी इसी तरह से प्लस वाला न्यूमेरिकल वैल्यूज कम है माइनस वाले के कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ भी -2 आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस हमने अभी बताया प्लस और माइनस वाले पे। इसी तरह से हम बोडमास रूल को अप्लाई करके इस तरह से सिंप्लीफिकेशंस को सॉल्व करने का सीखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।